दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम आपको सिखाते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। और हमारे कोर्सेज हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, वीवीए माइक्रो, एमएस एक्सेस, डैशबोर्ड, सिक्वल, टैबलू एंड पावर बीआई। तो दोस्तों, हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक। तो टॉप 100 तो एक वीडियो में बताना सही नहीं रहेगा, तो मैं टॉप 10 जो है आपके साथ बताने जा रहा हूँ एक्सेल टिप एंड ट्रिक। छोटी छोटी चीजें हैं बट मोटी मोटी चीजें हैं। सबसे चीज हम बात कर रहे हैं सीरियल नंबर की। जी हाँ, सीरियल नंबर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारी इस सीरीज को देखते रहें, क्योंकि हम इसके बाद और टॉप 10 तो 20 हो जाएगी, फिर टॉप 10 तो 30 हो जाएगी, ऐसे 100 तक हम लेके आएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नंबर की, कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है। तो सीरियल नंबर जो है कहां से लेकर आएंगे, तो सीरियल नंबर के लिए चलिए बताता हूं आपको मैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन हाँ अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीरियल नंबर की, कि मुझे सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर और यहाँ पे नेम। तो एक तो तरीका है कि आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, पूजा लिख दिया, और नेक्स्ट सीरियल के लिए आप जो इसमें +1 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ओम और फिर यहाँ पे +2 या फिर सी को नीचे की तरफ ड्रैग या कंट्रोल डी कर दीजिए, फिल डाउन, और आप लिखते रहे। लेकिन ये चीजें तो नॉर्मल, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेटेड हो, तो उस केस में हम करेंगे कि इफ इसमें हम +1 करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा हम गलत कर दिए, इफ अगली वाली सेल ग्रेटर देन 0, ब्लैंक सेल 0 होता है, अगर कुछ टाइप हो गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हमने बोला इसमें कॉमा ऊपर वाले सेल के अंदर में +1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट होता चला जाएगा। जैसे इंदर, उदय, कविता, तो ये टाइप एक्सेल में टाइप करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। हम बात कर रहे हैं दूसरे एग्जांपल की, कि दूसरा एग्जांपल ट्रिक्स का क्या होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल सीरियल नंबर के बाद है करेंट डेट एंड टाइम। तो हमारे पास एक नाउ का फॉर्मूला होता है, नाउ का फॉर्मूला लगा के हम करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे ला सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आगे कर लो, नाउ फॉर्मूला। लेकिन ऐसे आपके पास शॉर्टकट होते हैं कि आप कंट्रोल सेमी कॉलन करते हैं तो आपका डेट आता है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करते हैं तो आपका टाइम आता है। तो डेट एंड टाइम इकट्ठा अगर लिखना है तो आप एक ही साथ कंट्रोल और उसके बाद आप जो है स्पेस दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन कर दीजिए, कॉलन एंड सेमी कॉलन कंट्रोल के साथ, तो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगा, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। इसके बाद तीसरा एग्जांपल की हम बात करें तो तीसरा एग्जांपल है इसमें सेलेक्ट नॉन अब्सेंट सेल। जी हाँ, सेलेक्ट नॉन अब्सेंट सेल। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर सिक्वेंस में ना लिखा हो या कुछ ऐसा टाइप सिक्वेंस में ना हो, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और जहां क्लिक करना है वहां कर सकते हैं, और उसको सेलेक्ट करके जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप एक डेटा को सेलेक्ट कर रहे हो और सेलेक्ट करने का पर्पस आपका कॉपी हो, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना रहा हूं जहां आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस के लिए क्लिक कर दिया तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में है। लेकिन मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किए, तो इसको कॉपी नहीं होगा क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है। मतलब कि हमने इसको सेलेक्ट किए और इसको सेलेक्ट किए और हमने मान लीजिए कि यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो कॉपी नहीं होगा क्योंकि ऊपर 4 सेलेक्ट है तो नीचे भी सेम 4 होना चाहिए, सेम लाइन में 4 होनी चाहिए, तब जाके आपका कॉपी होगा। इसका ध्यान आप सिलेक्शन में रखेंगे। और हम बात कर रहे हैं तीसरे चौथे इसका, तो चौथा हमारा आता है वो आता है शॉर्ट, कि डेटा को शॉर्ट कैसे किया जाए।
तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक डेटा फाइल ओपन करते हैं। ये रहा डेटा फाइल हमारा। तो डेटा फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे ये दो तीन तरीके हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊंगा, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए कर दूंगा। लेकिन मुझे दो तीन फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना शॉर्ट करूंगा। ये हमारा शॉर्ट है। हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की शॉर्ट के बाद। अगला एग्जाम्पल हमारा जो पांचवा एग्जाम्पल है वो है ड्रैग एंड ड्रॉ। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहां से ड्रॉप करके यहां रखना है, तो सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि कॉपी पेस्ट मूव कट और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सेलेक्ट कीजिए और इसको जस्ट मूव कीजिए। लेकिन सिलेक्ट कैसे, इसको ऐसे नहीं करना है, हमें सिलेक्शन करने के बाद ये जो कॉर्नर बन रहा है इस पे जो इस तरह का ब्लैक कलर का सिंबल माउस पॉइंटर चेंज होगा, इसको सिलेक्ट करके फिर आप अपने हिसाब से जहां मर्जी वहां मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपना छठा एग्जांपल, स्टेटस बार। जी हाँ, स्टेटस बार, क्योंकि जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप डेटा सिलेक्ट करते हैं, उसकी स्टेटस बार में देखिए यहाँ पे एवरेज काउंट सम वगैरह आता है। अब इस स्टेटस बार को राइट क्लिक करके आपको इसमें क्या क्या चाहिए वो दे सकते हैं। जैसे मुझे मैक्सिमम चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए और क्या क्या चाहिए, वो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सिलेक्ट करेंगे वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देगा। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, फिर मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, और फिर इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन वापस फिर मुझे 85 को पेस्ट करना है, तो मुझे 85 को कॉपी करके फिर पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हम चाहते हैं कि हम एक बार कॉपी कर ले और पेस्ट चाहे जितना बार कर सके, तो हमें होम मेनू बार में क्लिप बोर्ड को ऑन करना होगा। और क्लिप बोर्ड ऑन होने के बाद आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दिया हमने, फिर वापस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे वापस 85 को पेस्ट करना है, तो वापस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे जाकर क्लिक करेंगे, हमारा पेस्ट हो जाएगा। ये हमारा था सातवां नंबर। अब आठवें नंबर की हम बात करते हैं। आठवां नंबर हमारा है बुलेट्स पॉइंट्स। जी हाँ, बुलेट पॉइंट्स, जैसे कि आप एमएस वर्ड खोलते हैं तो बुलेट्स एंड पॉइंट्स होते हैं, तो क्या हम एक्सेल में बुलेट्स एंड पॉइंट्स लगा सकते हैं? क्योंकि मैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया आवर कोर्सेस और मैं यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो उसका तरीका है कि आप इंसर्ट में, हमारे पास बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं सैम्बल में, सैम्बल में गया, ये बुलेट्स है, इसको क्लिक कर दिया, यहाँ इंसर्ट कर दूंगा और फिर मैं इसको आगे लिखूंगा कि एक्सेल, फिर इसको नीचे ड्रैग करूंगा, फिर बाकी चीजें लिखूंगा। उससे अच्छा है कि मैं इस बुलेट पॉइंट को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद जितना एरिया का आपको टाइप करना हो उतना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बार बार पॉइंट्स को कॉपी करना एडिट करना आप नहीं अच्छा चाहते हैं। और फिर हम एक्सेल पे गए और जर्नल से पहले उसको हम पेस्ट कर देते हैं और फिर जर्नल और उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन पेस्ट, सेमी कॉलन पेस्ट, सेमी कॉलन पेस्ट चार बार, क्योंकि इसमें चार पोजीशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और टेक्स्ट, चार जगह पे आपने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा मैंने एक्सेल, मैं लिखता हूँ VGA, मैं लिखता हूँ एक्सेस, तो इस तरह से बुलेट्स बनता चल जाएगा। तो आठवां हमारा था बुलेट्स पॉइंट्स। तो आठवें के बाद बुलेट पॉइंट के बाद आता है कॉपी वर्कशीट। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, मैं इसकी पूरी की पूरी कॉपी को शीट को कॉपी करना चाहता हूं, तो आप इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल को प्रेस करके इसको ड्रैग कीजिए, एक कॉपी हो जाएगा। मूव करना है तो सीधे आप इसको बिना कंट्रोल प्रेस कीजिए मूव हो सकता है। किसी और फाइल में कॉपी करना या नई फाइल में कॉपी करना है तो मूव एंड कॉपी और यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
और अगला आता है ऑनडू और हीरो कंट्रोल जेड, जिसमें मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और पूजा लिख दिया लेकिन गलत था, मुझे नहीं, मुझे वापस हटाना है, तो इसको डिलीट करने की जगह पे मैं कंट्रोल जेड मतलब कि यहाँ पे अनडू कर सकता हूँ, लेकिन गलती से कर दिया लेकिन मुझे वापस चाहिए तो डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई इसको बोला जाता है। तो ये थी हमारी टॉप 100 एक्सेल ट्रिक्स का पहला पार्ट, टॉप 10। अगले पार्ट में मैं आपको जो है टॉप 10 और इसी तरह की छोटी छोटी और मोस्ट यूजुअल चीजें आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाएं, और YouTube पे जाने के बाद यहाँ पे IPT इंडिया सर्च करें, IPT इंडिया सर्च करते ही मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे मैं 2500 के आसपास वीडियोस अपलोड किया हुआ है, मेरे सारे वीडियोस आपको दिख जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे जितने भी वीडियोस की अपलोड होगा उसका लिंक आपको मिलता रहेगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मेरे साथ आप डायरेक्ट सीखना चाहते हैं एक्सेल तो सीख सकते हैं, मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाके आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें और कुछ क्लासेस डेमो लें, हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। इस पे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर मुझे स्काइप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।